नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रणधीर सिंह आपका RMG टेक चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो टाइम चल रहा है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक दो ट्रेनिंग बना दूं। जब मैंने वीडियो पब्लिश करना शुरू किया था यूट्यूब के ऊपर, तो जब मैंने बैनर बनाया था तो मैंने सोच के बनाया था जो मेरी जो मतलब स्किल है, जो मैं काम करता हूँ उसके रिगार्डिंग भी मैं ट्रेनिंग डालूंगा। तो मैंने लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर जेट करके भी एक मैंने छोटा सा बैनर पे डाला हुआ था। तो दोस्तों, वो इसलिए आज मैं ट्रेनिंग डालने जा रहा हूँ चैनल के ऊपर। लेकिन यदि आप देखोगे जेट ट्रेनिंग के बारे में यूट्यूब के ऊपर, बहुत सी ट्रेनिंग ऑलरेडी डाल रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये अपना फर्ज समझता हूँ कि मैंने ये वीडियो डालना है। तो चलिए आज हम बात करते हैं जेट ट्रेनिंग के बारे में। जेट मीन्स जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट्स। इससे पहले कि हम जेट के बारे में शुरू करें, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है। लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर जेट क्यों ज़रूरी है? एक तो यदि बात करें कि इंस्टीट्यूशनलाइजिंग ऑपरेशनल एक्सीलेंस अचीव करना है, तो वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए? मतलब इंस्टीट्यूशनलाइजिंग ऑपरेशनल एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो उसके लिए हम ऑपरेशनल एक्सीलेंस को कैसे इस्टेब्लिश करें और कौन से पैरामीटर को देखना होगा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट इन की परफॉर्मेंस मीट्रिक्स। सो व्हाट इज द कीवर्ड इन दिस स्लोगन? द कीवर्ड इज सस्टेन। हाउ वी कैन सस्टेन? ये बड़ा मुश्किल काम है कि एक काम जो हमने कर दिया है उसको हम कैसे सस्टेन करें। हमने सुना होगा PDCA साइकिल। PDCA साइकिल जब हम बात करते हैं, प्लान डू चेक एक्ट, लेकिन हम कर तो देते हैं प्लान डू चेक एक्ट, लेकिन फिर उसको छोड़ देते हैं। तो जिस लेवल से, इस लेवल से हमने इस लेवल तक अचीव किया, तो ये हमारा करंट लेवल बन जाएगा। इसके बाद हम फिर ऊपर जाएंगे, लेकिन ऊपर जाने से पहले यहां पर हम इसको PDCA नहीं बोलेंगे। यदि यहां से हमने यहां तक आ गए, तो यहां से ऊपर जाना है तो उसको बोलेंगे SPDCA। अब S क्यों लगा दिया? S मीन्स सस्टेन। पहले सस्टेन करो, फिर प्लान डू चेक एक्ट, सस्टेन इट, प्लान डू चेक एक्ट। सो इसको हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी बोलते हैं। तो ये कहने में, सुनने में चीजें बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन जब आप शॉप फ्लोर पे जाते हो, देखते हो, तो वहां पे बड़े अलग चैलेंजेस होते हैं। तो सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट इन की परफॉर्मेंस मीट्रिक्स, कस्टमर फोकस, तो सारा जो काम धाम है सारा कस्टमर फोकस के ऊपर डिपेंड करता है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हमने डिस्कस कर लिया है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट सस्टेन कहाँ करना है, कौन से की पैरामीटर्स हैं जो हमने सस्टेन करने हैं? QCDME, ये पांच पैरामीटर हैं जो इंडस्ट्री में हमें सस्टेन करके रखने पड़ेंगे। मींस क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, एनवायरमेंट। ये कैसे हम अचीव करेंगे? विदाउट टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट दिस इज नॉट पॉसिबल। टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी विद कमिटेड लीडर्स। लीडर भी कमिटेड चाहिए, तभी ये हो पाएगा। सो प्रेजेंट बिजनेस सिनेरियो एंड नीड फॉर ऑपरेशनल एक्सीलेंस। जो प्रेजेंट बिजनेस है उसमें हमें क्या चैलेंजेस हैं? पहला चैलेंज कंपटीशन। कंपटीशन का जब हम नाम लेते हैं, तो कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि कंपटीशन हमारा किसके साथ है। लेकिन आपको ये भी नहीं पता चलता कि जो मुझे ऑर्डर मिलना चाहिए था वो कोई थर्ड वन ले गया। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इज रूथलेस एंड समटाइम इम्प्रेसिपिटेबल।
मतलब नजर ही नहीं आता। और रेट ऑफ चेंज, जो आज की डेट में चीजें इतनी फास्ट पेस पे चेंजेस होती जा रही हैं, तो मैंने एक चीज एस्टेब्लिश किया है, उसका नेक्स्ट वर्जन आ गया। आपने ऑटो सेक्टर में देखा होगा, 6 मंथ बाद, 1 6 मंथ में आप कार लेने जाओगे तो उसका मॉडल चेंज हो जाता है। तो क्या करोगे इस, यदि हम 6 महीने में एक प्रोडक्ट बना के एस्टेब्लिश करते हैं तो नेक्स्ट 6 मंथ में तो नया प्रोडक्ट आ जाना है, तो ये भी हमारे लिए चैलेंज है। तो कस्टमर कस्टमर क्या है, हाई एक्सपेक्टेशन फॉर गुड क्वालिटी एट फास्टर रेट एंड लोअर कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट तो हमने पहले ही बढ़ा रखी है, और इनपुट कॉस्ट वो बढ़ती जा रही है, तो इनपुट कॉस्ट यदि बढ़ती जाएगी तो हमारी जो बॉटम लाइन है वो नीचे आती चली जाएगी। स्टेक होल्डर की, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी है वो भी डे बाई डे बढ़ रही है। रेगुलरिटी पॉलिसीज, जो बड़ी स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज बन गई हैं और इन्फोर्सिंग, उनको इन्फोर्स भी करना पड़ रहा है, तो उसको आपको मानना ही पड़ेगा, कोई दो राय नहीं है इसमें। इम्प्लाईज यदि कॉम्पिटेंट नहीं है तो भी आपको सर्वाइव करना, जो हम बात करते हैं ऑपरेशनल एक्सीलेंस, हम अचीव नहीं कर पाएंगे। अब बात करेंगे बटे जेड, जेड ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट। मेन पर्पज हमारा यही है कि जो हमने पहले डिस्कस किया है उसको कैसे अचीव करें। अब इंडिया में ये जेड जो सर्टिफिकेशन है, इट इज एन लाइक ए सर्टिफिकेशन, जैसे ISO होता है वैसे ही ये सर्टिफिकेशन का है प्लान, लेकिन ये उससे काफ़ी एडवांस है, वो सारे इसमें क्लब कर दिए गए हैं, लेकिन वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताता हूँ आपको, लास्ट में बताऊँगा। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, मेक इन इंडिया, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट। अब एवोल्यूशन ऑफ जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट। ये इंडिया 68th इंडिपेंडेंस डे, अगस्त 15, 2014 को हमारे पीएम मोदी साहब जी ने एड्रेस किया था, नेशन को एड्रेस किया था। क्या है, एड्रेसिंग द नेशन हम्बल प्राइम मिनिस्टर अर्ज द इंडस्ट्री स्पेशली MSMEs टू मैन्युफैक्चर गुड्स विद जीरो डिफेक्ट एंड विद जीरो इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। सो ISO प्लस EMS दोनों इसमें क्लब हैं जेट में। अब लीन मैनेजमेंट इज द वन ऑफ द वे टू इंस्टीट्यूशनलाइजिंग ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड जेट टू सर्टिफाई इट। सो ये इसका मेन थीम है। अब मिशन ऑफ का जेट हम देख लेते हैं। मिशन ऑफ जेट क्या है, जीरो डिफेक्ट मीन्स कस्टमर फोकस। अब जीरो डिफेक्ट बनाएंगे तो अपने घर में रखेंगे, तो कस्टमर को जीरो डिफेक्ट जाना चाहिए। सो फोकस ऑन कस्टमर, जीरो नॉन कन्फॉर्मेंस, नॉन कंप्लायंस, जीरो वेस्ट, जीरो फैक्ट, फोकस ऑन सोसाइटी, जीरो एयर पोल्यूशन, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, जीरो सॉलिड वेस्ट डिस्चार्ज, जीरो वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इट इज ए सर्टिफिकेशन स्कीम, जेट जो है सर्टिफिकेशन स्कीम है। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिफिकेशन जो है स्कीम का, ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट वन इज डेवलप एन इकोसिस्टम फॉर जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन MSME। सेकेंड वन इज प्रमोट अडेप्टेशन ऑफ क्वालिटी टूल सिस्टम्स एंड एनर्जी एफिशेंट मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड वन इज अनेबल MSMEs फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग विद अडॉप्शन ऑफ जीरो डिफेक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस एंड विदाउट इम्पैक्टिंग द एनवायरमेंट। सपोर्ट मेक इन इंडिया कैंपेन, डेवेलप प्रोफेशनल इन द एरिया ऑफ जेट मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्टिफिकेशन। MSME मीन्स इज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अ बेनिफिट्स ऑफ जेट स्कीम फॉर MSMEs, इजी एक्सेस टू लोन,
क्रेडिबल एंड रिलायबल वेंडर डाटाबेस, रिड्यूसिंग नेगेटिव इफेक्ट ऑन अवर एनवायरमेंट, अवार्ड एंड रिवार्ड्स, अलाइनिंग विद बेस्ट प्रैक्टिसेस, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, विजिबिलिटी एंड ब्रांड रिकॉग्निशन, अदर बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस बाय द गवर्नमेंट नियर फ्यूचर, टिल देन वी वेट फॉर इट. असेसमेंट क्राइटेरिया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि टोटल 50 पैरामीटर्स हैं जो जेड आपको ऑप्शन देता है चूज करने के लिए. एप्लीकेंट टू कंप्लाई विद आइडेंटिफाइड 20 एसेंशियल पैरामीटर्स एंड एटलीस्ट 10 अदर पैरामीटर एज पर सेक्टर ऑफ ऑपरेशन एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री. 20 पैरामीटर यू हैव टू सेलेक्ट एसेंशियल 20 पैरामीटर एंड 10 अदर पैरामीटर एज पर योर इंडस्ट्रीज. हैंस रेटेड ऑन मिनिमम ऑफ 30 पैरामीटर, यू हैव टू सेलेक्ट 30 मिनिमम पैरामीटर. मे सीक जेड रेटिंग ऑन मोर देन 30 पैरामीटर. ईच पैरामीटर हैज ए 5 लेवल्स. द रेटिंग इज बेस्ड ऑन द वेटेड एवरेज लेवल. मैं आपको वो कैलकुलेशन भी दिखा दूंगा. The company encouraged, handled and trained to achieve higher level for each parameter and elevate itself in the maturity level. These are the, each parameter comprises of 5 maturity level. These are shown on the slides. How does JED rating system works? So this is an example. You can see it. So company X is being rated on 30 parameters. So of 30 parameters, on 4 parameters the company is at level 5. On another 8 parameter it is at a 4. On remaining 18 parameter is at the level 3. So hence the score will be calculated as parameter, level and marks. And total marks achieved 106. कंपनी रेटिंग टोटल पॉइंट्स एप्लीकेबल पैरामीटर्स 3.53 अचीव. कंपनी एक्स इज रेटेड एज जेड डायमंड. सो लेफ्ट हैंड साइड इट इज शोन ऑन द ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम. प्लैटिनम इज द मैच्योर लेवल, एन ऑफ मैच्योर लेवल, वर्ल्ड क्लास लेवल दैट वी अचीव. जेड रेटिंग, जेड रेटिंग वी ऑलरेडी डिस्कस इन द रिसेंट स्लाइड्स. जेड पैरामीटर क्लासिफिकेशन, जेड पैरामीटर क्लासिफाइड इनटू मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, अनदर वन इज डिजाइन कैपेबिलिटीज, क्वालिटी, एनवायरमेंट, सेफ्टी, एश्योरेंस सिस्टम्स, पीपल डेवलपमेंट एंड इंगेजमेंट सिस्टम्स, स्टैंडर्डाइजेशन एंड मेजरमेंट सिस्टम फॉर क्वालिटी एंड एनवायरमेंट, लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट सिस्टम्स, लीगल कंप्लायंस हैज एनी फैक्टर. द मेजर इंटरवेंशन कवर्ड इन जेड पैरामीटर्स यू कैन सी ISO 9001, ISO 14001, EMS, वी कैन ऑल्सो कॉल EMS. Lean manufacturing, come to the point. When we start, we say the lean practices for JET. So, all these are embedded here. Lean manufacturing, 5S, Kaizen, Kaizen, clean development, supply chain energy, IPR. So, all these are embedded here. So, thanks for watching. I think this is the awareness training of JET because I committed in the banner of our YouTube channel. So it's my responsibility to share with you those training. Otherwise, some ban ask me, you can post on the banner, but there is no any JET training on your channel. So it may be helpful to those who belong to the industry, auto industry and other manufacturing industries. So this is a major requirement today.
जेट कंपाइल और दो लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सो मैनी टूल इन ए वन सिंगल सर्टिफिकेशन। सो इफ वी इम्प्लीमेंट दोज पैरामीटर्स एंड दोज इम्प्रूवमेंट एक्शन प्लान इन अवर कंपनी, सो वी कैन अचीव अ वर्ल्ड क्लास लेवल इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। सो दोस्तों, यदि ये ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी तो भाई आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, यदि नहीं अच्छी लगी तो मैं आपको बोलूँगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट विद ए न्यू टॉपिक, तब तक जियो, इजाजत, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।